आपको तो खुश होना चाहिए, कल निकाह करिए ना। लेकिन आप तो परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होगी भी तो ऑब्वियसली आप बताएंगी क्या? रहे, हुनैन से जुड़ी बात है। वैसे थोड़ा बहुत एहसास तो आपको होता ही होगा कि हुनैन आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझसे शादी कर रहा है। और आप शादी तो आप भी कर रही हैं ना, ऐसे सही लगता है आपको सब कुछ? कमाल है भाई, आज तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हुनैन के बारे में बात ना करो और आपने उसका बहुत नुकसान किया है। कितनी बार तो कह चुकी हूँ, बात तो तुम भी नहीं आते। मजबूर हूँ, बार बार आपका अच्छा करने की कोशिश की है लेकिन हर बार बुरा बन के आपके सामने आया। लेकिन आज भी वही कहूंगा जो शुरू से कहता आया, हुनैन ने मुझे सारी बात इसलिए बताई थी कि वो आपसे तंग आ चुका था, उसे ज्यादा पैसे वाली लड़की मिल गई। उसकी बताई हुई सारी स्टोरी झूठी है। बैंक के बाहर से पैसे उसने चोरी करवाए थे, घर में चोरी उसने करवाई थी। वो आपसे शादी करके आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगा। और जो तुमने मेरे साथ किया? एक बार खो चुका हूं, अब शिद्दत से पाना चाहता हूं। कल रात को गोली खाने को भी तैयार था इस गलती को सुधारने के लिए, लेकिन अफसोस आपके हुनैन ने उसे गोली नहीं चलाने का कहा होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा ही किया, आपको तो वो कन्विंस कर चुका है कि आप उसके एहसानों तले दबी हुई हैं। थोड़ा बहुत एहसान वो आपके घर वालों पे भी करना चाहता था ताकि कल को जब आपसे निकाह करे तो उसका एम एस सबकी नजरों में क्लियर हो, और मैं तो वैसे ही सबकी नजरों में बुरा बन चुका हूं, तो उसका रास्ता साफ है। ये झूठ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चोरी उसने करवाई है? यही मसला है तुम्हारा। तुम खुद को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरों को इतना बुरा कहते हो, इतने गिरे हुए इल्जाम लगाते हो कि दिल ही नहीं चाहता कि तुम पर एतबार किया जाए।